क्या आपके यहाँ भी हरे चारे की कमी है? यदि हाँ तो यूरिया मोलासेस ब्लॉक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टॉक केयर। तो पहले हम जानते हैं यूरिया मोलासेस ब्लॉक कहते किसे हैं। यूरिया मोलासेस ब्लॉक एक ब्लॉक है जिसका इस्तेमाल हम उस वक्त कर सकते हैं जब हमारे जानवरों को हरे चारे की जरूरत हो बट हमारे पास उसकी उपलब्धि ना हो। ये जानते हैं यूरिया मोलासेस ब्लॉक में क्या क्या रहता है। उनमें हमें सॉल्ट, मोलासेस, यूरिया, कैल्शियम पाउडर, बहुत तरह के मील सीड्स, बार्न और बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे जानवरों के सभी जरूरतों को पूरा कर देते हैं। तो यूरिया मोलासेस ब्लॉक जो है वो हमारे जानवरों के लिए काम कैसे करता है? हमारे जो जानवर है उनमें एक विशेष प्रकार की थैली होती है जिसे हम र्यूमन कहते हैं और उनमें करोड़ों की जनसंख्या में बहुत तरह के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, यानी जीवाणु पाए जाते हैं। और उन जीवाणु को और वो जीवाणु जो है वो हमारे जानवरों के पाचन क्रिया के लिए सहायक होते हैं। हरे चारे की कमी के समय जब हमारे जानवरों को सूखा चारा खाना पड़ता है उस वक्त यूरिया मोलासेस ब्लॉक हर तरह की जरूरतों को पूरा कर देता है जो हरे चारे से मिलता है उन्हें, और ये हमारे जानवरों की पाचन क्रिया में भी वृद्धि लाता है। ये यूरिया मोलासेस ब्लॉक के कुछ फायदे जानते हैं। तो ये है, हमारे जो जानवर है वो सूखा चारा जो है ज्यादा खाते हैं और बर्बाद भी कम करते हैं। पशु की पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी हो जाती है और साथ ही जो फैट परसेंटेज होता है ना, मतलब दूध में भी वृद्धि लाते हैं, मतलब दूध में भी वृद्धि हो जाती है ये यूरिया मोलासेस ब्लॉक खाने की वजह से, क्योंकि ये तो सारे सप्लीमेंट पूरे कर दे रहे हैं आपके जानवरों के, तो जाहिर सी बात है दूध में तो वृद्धि होगी। ये फिर सबसे दिलचस्प बात, जो खनिज पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स ये यूरिया मोलासेस ब्लॉक पूरे कर देते हैं। मतलब ऐसा है कि मिनरल मिक्सचर जो है वो सप्लीमेंट जो भी आप दे रहे हैं, मतलब पहले तो आप डाउट में होंगे ना कि पता नहीं जो मिनरल सप्लीमेंट जो हम उसे दे रहे हैं वो उसका भरपूर हो पा रहा है कि नहीं। तो यूरिया मोलासेस ब्लॉक दे करके आप ये चीज पूरी तरह से कंफर्म करते हैं सकते हैं कि उनको हर तरह की सप्लीमेंट मिल रही है। यूरिया मोलासेस ब्लॉक आपको खिलानी नहीं पड़ती है, बस उनके सामने रख देना पड़ता है, वो अपनी जरूरत के अनुसार उसे चाट लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो अपनी जरूरत के अनुसार अपने सारे सप्लीमेंट्स पूरी कर लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर किसी भी तरह की नॉलेज चाहिए होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं प्रॉपरली मतलब मैं श्योरली रिस्पॉन्स करूंगी। हमारा खुद का फेसबुक चैनल भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा यदि आप हमसे हमारे फेसबुक ग्रुप पे जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्मेट में भी दी गई है livestockcare.com.in सॉरी, ये मेरी वेबसाइट है और इसमें ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटन फॉर्मेट में दी गई है। तो यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा करके इसे देख सकते हैं। थैंक यू। आगे हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी लाएंगे जिसमें आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आप कैसे आयुर्वेदिक तरीके से अपने जानवरों को ठीक कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड।